तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें फ्यूरियोसा दिखाई जाती है जो एप्पल तोड़ रही होती है, तभी उसको कुछ आदमी दिखाई देते हैं और वो उन सभी से बचने के लिए उनके बाइक के वायर्स को काट देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन कुछ आदमी लोग उसे पकड़ लेते हैं और फ्यूरियोसा बचने के लिए सीटी बजाती है जो कि उसकी मॉम सुन लेती है और वो उसको बचाने के लिए भाग जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि वे लोग फ्यूरियोसा को पकड़ के ले जाते, इसलिए उसकी मॉम भी डिसाइड करती है कि उसको बचाने जाएगी और वो भी बाइक लेके उनके पीछे पीछे चली जाती है। अब फ्यूरियोसा की मॉम उनका पीछा करते करते कई लोगों को मार देती है और ऐसे ही जर्नी चलती रहती है और ऐसे रात हो जाती है। अब दो लोग बचे थे सिर्फ और वो आपस में बातें ही कर रहे थे तभी फ्यूरियोसा वहाँ से भाग जाती है, पर वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाती, इस वजह से वो लोग उसे पकड़ लेते हैं बाइक से और ऐसे वापस इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब फ्यूरियोसा की मॉम को दिखाया जाता है जो उनका पीछा कर रही होती है और वो उन दोनों को मारने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि उनके आगे उनका टीला है, यानी कि अब वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अब फ्यूरियोसा की मॉम उन दोनों में से किसी एक आदमी को मार देती है, पर एक आदमी जो बचा था वो फ्यूरियोसा को लेकर वहाँ पर चला जाता है और उसके गले में एक चेन बंधी हुई होती है। वहाँ के लोग उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, ये कहाँ से आई है, तब वो कहता है ये कुदरती जहाज से आई है और इसके बारे में मैं सिर्फ डिमांटस को ही बताऊँगा और किसी को नहीं बताऊँगा, और ऐसा कह के वो आदमी वहाँ से चला जाता है बाइक लेके। और रास्ते में ही फ्यूरियोसा अपनी चालाकी दिखाती है और बाइक से नीचे कूद जाती है और उसके गले में जो चेन थी वो टायर में फंसा देती है, जिसकी वजह से जो वो आदमी था जो लास्ट में बचा था वो भी नीचे गिर जाता है और उसके गले में कट लग जाता है चेन की वजह से, और वैसे करके वो काफ़ी जख्मी हो जाता है। और उसके बाद हमें डिमांटस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी फ्यूरियोसा को लेके आता है और बोलता है कि ये लड़की कुदरती जहाज से आई है जहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें हैं, और वो उससे पूछता है कि कहाँ है वो जगह, पर फ्यूरियोसा उन्हें नहीं बताती, जिसके बाद वो आदमी और वो लास्ट बचे हुए आदमी को लाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई तू नक्शा बना दे ज़मीन पर और बता वो जगह कहाँ पर है। वो जैसे ही बताने वाला होता है कि तभी फ्यूरियोसा दौड़ती है और उसके गले पे वार करती है जिसकी वजह से वो आदमी वहीं पे मर जाता है। अब डिमांटस कहता है कि ये हमारी स्पेशल गेस्ट है, तुम इसे टेंट में ले जाओ, और जब लोग उनसे टेंट में ले जाते हैं उसकी थोड़ी बहुत खातिरदारी करते हैं तभी पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और वो उन सभी लोगों को धीरे धीरे करके मारने लग जाती है, और एक औरत बच्ची होती है वो उस पर रहम करके उसको छोड़ देती है, पर वही औरत जाके उन सभी को बता देते हैं कि फ्यूरियोसा को उसकी मॉम भगा के ले गई है और वो भी उनका पीछा करने लग जाते हैं। फ्यूरियोसा की मॉम को पकड़ लेते हैं और फ्यूरियोसा वापस उसको बचाने आ जाती है, पर फ्यूरियोसा अपनी मॉम को नहीं बचा पाती है और उसकी मॉम को उनकी आंखों के सामने ज़िंदा जला दिया जाता है। अब कुछ टाइम के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो लोग फ्यूरियोसा के अड्डे पर जाने के लिए तैयार होते हैं और वहाँ पे वो लोग किसी आदमी को मार रहे होते हैं। फ्यूरियोसा उस सबको अपनी आंखों से देख रही थी और फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात को फ्यूरियोसा अपने हाथ पे रास्ते का मैप बना लेती है ताकि वो कभी भी भागने का मौका मिले तब उस मैप से भाग जाए। अब वो लोग फ्यूरियोसा के अड्डे पे जा ही रहे होते हैं तभी उनको आसमान में कुछ लाल लाल सा दिखाई देता है। वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ से ये सब हुआ है। वहाँ पर एक आदमी होता है, वो उन सभी को बताता है कि मैं जन्नत से आया हूँ, यानी कि हर्ष किले से, जहाँ पे खाने पीने के लिए सब चीज़ें आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, और इस वजह से डोमेंटस वहाँ फ्यूरियोसा की जगह जाने की जिद छोड़ देता है और वहाँ हर्ष किले पे राज करने की सोचता है। और वो सभी उसकी सेना चली जाती है हर्ष किले के पास और डोमेंटस की सेना वहाँ पे पहुँच जाती है। लोग अपने अपने विलों में छुप रहे थे चूहों की तरह, और उनकी सेना जो हर्ष किले पर सेना थी वो उन सबको देख रही होती है। फिर डोमेंटस वहाँ पे आता है और बोलता है कि मैं तुम सभी को यहाँ की गुलामी से मुक्त कराऊँगा, मैं तुम्हारा राजा हूँ, बहुत कुछ बोलता है। उसके बाद जहाँ पे हर्ष किले का राजा वो बाहर निकलता है और वो अपने सिपाहियों को इशारा देता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पार्ट है, इसका फ़ायदा उठाकर वो आराम से डोमेंटस की काफ़ी सेना को नुकसान पहुँचा देते हैं, और जिस वजह से डोमेंटस यहाँ से वापस भाग जाता है। डोमेंटस अब डीजलगढ़ चला जाता है ताकि वहाँ पे रूल कर सके। डीजलगढ़ से एक ट्रक आ रहा होता है, डोमेंटस उस ट्रक पे अटैक करवा के उस ट्रक से सब कुछ पेट्रोल लूट लेता है और वहाँ पे अपने आदमियों को डीजलगढ़ के आदमी बना के वापस वहीं पे भेज देता है ताकि वो अपना गेट खोल सके और अपनी सेना को अंदर ले आ सके। और होता भी वैसा ही है, वो डीजलगढ़ के लोग अपने ट्रक समझ के उसको खोल देते हैं गेट को, और फिर वही लोग जाके उनको धोखा दे देते हैं, और जिससे डोमेंटस की पूरी आर्मी डीजलगढ़ पे रूल कर लेती है।
और उसके बाद डिमांटस और उसके लोग वहाँ हर्ष किले पर चले जाते हैं और उसके राजा से सौदा करते हैं कि अगर तुम लोगों को पेट्रोल और डीजल चाहिए तो हमें उससे दुगुना खाना चाहिए, कि अगर तुम पहले हमें जितना देते थे उससे दुगुना आलू सब्जी पानी सब उससे दुगुना चाहिए। और वो सब पे मान ही जाते हैं, पर उनकी भी एक शर्त होती है, वो फ्यूरोसा को अपने साथ रख लेते हैं और फ्यूरोसा भी वहीं पर रह जाती है और वो वहाँ से भागने के लिए अपने सारे बाल काट देती है और फिर नकली बाल लगा के अपने सर पे लगाए रखती है ताकि वहाँ से मौका मिलते ही भाग जाए। और वो होता भी ऐसा है, वो वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पे लड़का बन के रहती है और कई काम करती है। उसके बाद वो उनकी टीम में भी शामिल हो जाती है जो खाना डिलीवर करते हैं ताकि वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाए। और उनकी टीम के लोग एक ऐसा ट्रक मनाने जा रहे होते हैं जिससे कि डोमेंटस की आर्मी उन पर हमला करे तो भी वो बच जाए। फिर उनकी टीम का कैप्टन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो सभी एक खाना डिलीवर करने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही कुछ गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं खाना लूटने के लिए और कई देर तक इनकी लड़ाई चलती रहती है। कहीं पे डोमेंटस के आदमी मरते हैं तो कहीं पे फ्यूरोसा के आदमी मरते हैं, ऐसे आधे घंटे तक लड़ाई चलती रहती है और कोई नतीजा नहीं निकलता। और लास्ट में ऐसा होता है कि सभी लोग मर जाते हैं, सिर्फ फ्यूरोसा और उसके टीम का कैप्टन ही बचता है। फ्यूरोसा को यह मौका अच्छा लगता है भागने के लिए। फ्यूरोसा वहाँ पे जाती है और टीम के कैप्टन पे बंदूक तान देती है और बोलती है कि अब तुम गाड़ी को रोक दो और तुम नीचे उतरो, मैं जाऊँगी। पर टीम का कैप्टन चालाकी दिखा के उसको गाड़ी से नीचे गिरा देता है। अब फ्यूरोसा का टीम का कैप्टन वापस आता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बस तुम मेरी टीम में बनी रहो। और वो अब बुलेट पास चले जाते हैं जहाँ पर वो बंदूकें खरीद लेते हैं और खाना पानी सब दे देते हैं, और फ्यूरोसा के लिए भी वो एक गन खरीद लेता है। और उसके बाद वो डीजलगढ़ की ओर जाते हैं जहाँ पे वो उनको खाना दे देते हैं, पर डीजलगढ़ के लोग उन्हें धोखा दे देते हैं और उनको खाने के बदले पेट्रोल डीजल नहीं देते, जिसकी वजह से वो जिंदा बच कर वापस भाग जाते हैं। और वापस जब वो हर्ष पे पहुँचते हैं तब उनको काफ़ी डांट पड़ती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो डीजलगढ़ पर जाके कभी भी खाना डिलीवर नहीं करेंगे। और अब उनकी लास्ट प्लानिंग थी कि फ्यूरोसा को भगा दिया जाए, उससे पहले वो बुलेट बाज जाके खाना डिलीवर करने जा रहे होते हैं और फ्यूरोसा को एक गाड़ी दे देते हैं जिससे फ्यूरोसा भाग जाए। पर वो पहले बुलेट बाज जाते हैं और बुलेट बाज जाने के बाद उनको पता चलता है कि बुलेट बाज पर अब डिमांटस के लोगों ने कब्जा कर दिया है, क्योंकि डीजलगढ़ उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया था। और वहाँ पर वो सभी लोग उनके सभी आदमियों को मार देते हैं खाना लूटने के लिए, और वहाँ पर सिर्फ फ्यूरोसा और उसका वो फ्रेंड ही बचा था। और फ्यूरोसा भी वहाँ से भाग जाती है पर वापस आ जाती है अपने फ्रेंड को बचाने के लिए और अपनी AWM से सभी को मार रही होती है, और उसका फ्रेंड भी काफ़ी हद तक उन लोगों को मार रहा था। और वैसे करके ये दोनों पूरे बुलेट बाज को ही बर्बाद कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं दोनों के दोनों फ्रेंड्स। पर डिमांटस अब काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि इन दोनों ने मिलकर पूरे उनकी प्लानिंग पे चौपट कर दी और पूरे बुलेट पास को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो उन दोनों को रोकने जाते हैं कि वो अपने टीम मेंबर्स को ना बता दे। और वो उन दोनों का पीछा करते हैं जहाँ पे इन दोनों को पता नहीं होता कि डिमांटस उनका पीछा कर रहा है। और काफ़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है जब उनके काफ़ी करीब आ जाता है, और ऐसे ही डिमांटस उनके पीछे अपनी गाड़ियाँ लगा लेता है और उसी बीच में फ्यूरोसा का हाथ के लग जाती है चोट, और ऐसे उनकी गाड़ी का पीछा करते करते उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। अब डिमांटस के लोग फ्यूरोसा और उसके फ्रेंड को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को काफ़ी गुस्से में डिमांटस बात करता है और अब उन दोनों को बांध देते हैं, जहाँ पे उसके फ्रेंड को बाइक के पीछे बांध के बाइक दौड़ा देते हैं और फ्यूरोसा को भी गाड़ी के पीछे बांध देते हैं, और वहीं पर उसके फ्रेंड के पीछे कुत्ते भी दौड़ा देते हैं ताकि वो जब थक जाए तब कुत्ते उसको खा ले। और वहीं पे अब डिमांटस आराम से बैठ जाता है आगे मुंह करके, ऐसे ही कई देर तक चलता है। और अब जब डिमांटस का गुस्सा शांत हो गया तो वे फ्यूरोसा को मारने जाते हैं, पर फ्यूरोसा अपना हाथ काट के चली जाती है और वहाँ पे वो लोगों के पास चली जाती है। रास्ते में वो बेहोश हो जाती है, जब उसकी होश आता है तब वो कहीं पर अपने आप को पाती है। वो जाके वापस हर्ष के लोगों के पास जाती है और अपने राजा के पास जाके बोलती है कि उन्होंने बुलेट बाज को अपना कब्जा कर लिया है, अब हमें उनसे बचना होगा, वो सीधा अब यहीं पे हमला करने वाले हैं। और उसकी बात सुन के वो सभी अब तैयारी कर लेते हैं और वहीं पे अब दोनों की घमासान लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई 40 दिनों तक चलती रहती है, जिसके बाद जो डिमांटस है उसकी टीम हार जाती है और वो डिमांटस और उसकी आर्मी में 6-7 लोग बचे थे वो भाग जाते हैं। अब फ्यूरोसा भी उनका पीछा करने के लिए एक गार बनाती है और वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। फ्यूरोसा अपने साथ स्नाइपर भी ले जाती है जिससे वो डिमांटस के लोगों को आराम से मार रही थी। एक आदमी के मरने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि तीनों अलग अलग रास्ते पे जाएंगे, और ऐसा ही होता है। डिमांटस अपने सभी लोगों को कहता है कि हम सभी अलग अलग रास्ते पे जाते हैं और तीनों अलग अलग रास्तों में बिखर जाते हैं, जिससे फ्यूरोसा कन्फ्यूज़ हो जाती है।
पर वो सभी को एक एक पीछा करके सभी को एक एक करके मार देती है। लास्ट वाला डिमांटस बचता है तो वो उसका पीछा करती है और लास्ट पर वो डिमांटस को भी पकड़ लेती है और उससे पानी और बंदूकें सब कुछ छीन लेती है, जिससे डिमांटस अब काफ़ी हार मान चुका था और मौत को लिए तैयार हो चुका था। और अब उसके बाद झूमर चलते कि फ्यूरोसा ने उसको कैसे मारा होगा। कोई कहता है कि उसके बंदूक से उसको मार दिया था डिमांटस को, और कोई कहते हैं कि उसको पीछे गाड़ी से बांध कर और उसको दौड़ाया था पूरे रेगिस्तान में और लास्ट में उसको मार दिया था। और कुछ लोगों का यह मानना है कि उसकी मोम को जैसे मारा था वैसे ही उसको पेड़ से लटका के ज़िंदा जला दिया था। पर एक बूढ़ा आदमी बताता है कि नहीं, डिमांटस अब भी ज़िंदा है, उसको जो सज़ा मिली है वो सिर्फ मैंने ही देखी है। उसके हाथ पैर बांध दिए थे और वहाँ पे एक पेड़ उगा दिया जिससे वो धीरे धीरे तड़प तड़प के मर रहा है। वहाँ पे एक एप्पल उगता है, फ्यूरोसा वो एप्पल लेके अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है और उनको गाड़ी में बिठा के भाग जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।